नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना आईसीसी एकेडमी अबोहर पंजाब से। आज हम लोग जी मैथ्स का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है जी? परसेंटेज। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं जी। तो इसको हम जी ट्रिकी वे से करेंगे भी कौन कौन सी टेक्निक कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ताकि परसेंटेज जो है हम ओरली कर पाए। और आप देखोगे जी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप विद इन सेकंड से निकाला करोगे जी। तो हम इसको आप शुरू करने जा रहे हैं जी। परसेंटेज जी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जी, परसेंटेज में जी मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा भी परसेंटेज का मतलब क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए पहले आप तीन क्वेश्चन ये जो है बेसिक वाले वो लेंगे जी। परसेंटेज के लिए हम लोग ये सिंबल इस तरीके से यूज करते हैं। तो जैसे इसमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है 60% ऑफ 800 का 60% कहते हैं आपने बताना है जी। जैसे कि हमें पता है परसेंटेज का मतलब क्या होता है जी, अपॉन 100, 60/100। ऑफ का मतलब होता है गुना, तो गुना के लिए आप डॉट भी लगा सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो। मैं बेटर सजेशन यही दूंगा भी आप डॉट लगाने की आदत डालो, क्योंकि कई बार चीजों को आप एक्स मान लेते हो तो आगे वही चीज आपको अभी क्लियर हो जाएगी, तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो। तो ये गुणा का निशान आ गया जी। आगे 800 है, गुणा 800 लिख दिया जी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 20 से 20 कट गई जी, गुणा करेंगे जी 800, 848 जी। तो ये आप देख रहे हो जी, ये कितना बन गया जी हमारे पास 480 जी, इसका परसेंटेज निकल आया जी। तो इसमें देखो जी कुछ भी नहीं है लंबा चौड़ा समझाने वाला काम। तो 60% पूछा गया था, तो हमने क्या किया जी 60/100 × 800 जी। तो आगे देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन जी। दूसरे पार्ट में हम क्या देख रहे हैं जी, 60% ऑफ व्हाट, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, आगे लिखा 480। तो यहां पे जहां पे क्वेश्चन मार्क है जी, यहां पे मैं ये सजेस्ट करूंगा जी आप इसको जी एक्स लिख लिया कीजिए। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा जी, 60% ऑफ एक्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे जी, 60% ऑफ एक्स। अब ऑफ के लिए मैंने डॉट लगा दी और एक्स को एक्स लिख दी, इक्वल टू 480। तो ये हमारे पास गिवन है जी, एक्स पड़ा रहने दीजिए, बाकी रकम को ये अब दूसरी तरफ ले जाइए। तो एक्स इक्वल टू क्या बन जाता है, 480, और जो 60/100 था उधर जाके उल्ट जाएगी जी, ये क्या बन जाएगी 100/60 जी। तो जीरो से जी जीरो कट गई, 6 पे गया जी 8 आ गया, और ये क्या देख रहे हैं आप जी 800 आ गया जी। तो 800 जो है इसका आंसर आ गया जी। उम्मीद कर रहा हूं जी आपको ये समझ आ रहा होगा जी। तो आगे हम जी इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है जी लेकिन क्वेश्चन मार्क शिफ्ट हो गया जी, क्वेश्चन मार्क पहले वाली जगह पे आ गया। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे जी, x/100, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x लिख दिया जी, इंटू 800 इक्वल टू 480 जी। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है जी। तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास, तो इसको अब कैसे करेंगे जी, ये 20 जी ये कट गई, तो x को पढ़ रहे हैं दो 8 उधर ले जाओ जी, x इक्वल टू कितना हो गई 480 अपॉन करेंगे जी 8, तो ये 8 पे कट गई 6 आ गई, यहां पे 0 आ गई, तो क्या बन गया 60%। तो क्या देख पा रहे हैं आप जी, इसका आंसर क्या बन गई 60%। तो मैं फिर वही पहले क्वेश्चन के ऊपर दोबारा से आ रहा हूं जी। पहला क्वेश्चन आपने देखा था 60% ऑफ 800, हमारे पास ये तीन प्लेसेस हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला जी। मैंने तीनों को अलग अलग वे से समझा दिया, पहले क्वेश्चन मार्क इस जगह पे रखा है जी, दूसरा क्वेश्चन मार्क जी मैंने इस जगह पे रख दिया, और तीसरा क्वेश्चन मार्क जी आगे वाले प्लेस पे रख दिया। तो आप देख पा रहे हो जी क्या है, तीनों तरह के क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए एक ही तरीका है इसको करने का। अब मैंने नीचे कुछ एक एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जी जिससे आपको इजिली समझ आएगा। जैसे आप देख पा रहे हो जी, पहली एग्जाम्पल है जी, इसमें क्या दिया है 40% ऑफ 900, तो आप 40% को लिख सकते हो 40/100 × 900, तो 20 से 20 कट गई जी, तो ये बन गई जी 360 जी, तो ये आंसर आ गया जी। आगे देखेंगे जी 30% ऑफ 1200 जी, 30% का मतलब 30/100 जी इंटू 1200 करना जी, तो 20 से 20 कट गई जी, तो ये भी कितना बन गई जी 1236, ये भी 360 बन गया। अब यहां पे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूंगी, हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए शॉर्टकट वे अडॉप्ट करेंगे, ये तो मैंने आपकी सुविधा के लिए एक बार लिख के दिए जी। जब भी आपको ऐसा केस आ जाए 40% ऑफ 900, तो हमें पता है नीचे 100 आने ही आने, तो बेटर ये नहीं है जो 900 हमारे पास फिगर दे रखी है उसकी 20 पहले से काट दो। अगर आप यही से 20 इसकी काट देते हो तो 40 × 9 सीधे 360 आ जाएगी। जैसे देखिए नेक्स्ट केस देख रहे हैं हमने,
30% का मतलब 30/100 आ गया जी, तो 100 वाली ये दो जीरो इधर कट गई, तो 12 गुना 30 करोगे तो भी क्या बन गई 360 बन जाएगी। जैसे कि नेक्स्ट केस हम लोग देख पा रहे हैं जी, नेक्स्ट केस में क्या दिया हुआ जी, 10% ऑफ 580 जी, 10% का मतलब 10/100 इंटू 580, तो ये जीरो से जीरो कट गई, ये जीरो से जीरो कट गई, क्या देख रहे हैं जी 58 जो है इसका आंसर आ गया। अब इसको भी हम ऐसे नहीं करेंगे, अगले पेज में मैं इसका रूल आपको पूरी तरह से क्लियर करता हूं। अब सिंपली याद रखिए, जब भी 10% निकालना हो, जो भी आपको संख्या दे रखी है अगर पीछे जीरो है तो पीछे जीरो उड़ा दीजिए, अगर कोई और नंबर है तो अगले पेज पे करते हैं उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें पीछे जीरो उठ गई तो 58 देख रहे हो आप जी आंसर आ गया। एक केस ऐसा हम और देखेंगे जी, 10% ऑफ 472, तो 10% जैसे कि हम देख पा रहे हैं 10/100 जी इंटू 472, तो ये जीरो से जीरो कट गई। अब 472/10 आ गई, 472/10, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 47.2। तो क्या देख पा रहे हैं जी, जब भी पीछे जीरो है तो जीरो, हम पीछे वाले केस में देख रहे हैं जीरो उड़ा दी गई, अगर जीरो नहीं है तो पिछले डिजिट से पहले डॉट लगा देना जी, तो वो आपका 10% निकल आएगा जी। तो उम्मीद कर रहा हूं जी ये परसेंटेज वाला पार्ट जो है जी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जी कुछ बेसिक परसेंटेज लेकर के चलेंगे, जिसके बेस पे हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन जो है और ले किया करेंगे जी। तो पहले हम बेसिक परसेंटेज देख रहे हैं, जैसे कि देख रहे हो 10%, 10% का मतलब होता है 1/10 यानी 1/10। इधर देख रहे हो 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। तो इसमें ये बेसिक सेंस समझिए आप पहले, ये जो फिगर है जी ये 100 बनती होती है, 10 × 10 कितना होता है 100, तो इधर हम देख रहे हैं 20 × 5 कितना होता है 100, तो ये चीज 100 बननी चाहिए। तो आप देखो मैंने अलग अलग वे से इसको लिखा हुआ, मैं समझाता हूं इसका भी मतलब क्या है। पहले 30% की बात करेंगे, 30% का मतलब होता है 3/10, और 50% का मतलब क्या है जी 5/10, या फिर इसको कह सकते हो आप जी 1/2। इसको ध्यान से देखिए जी, 10% का मतलब मैंने आपको बताया जी 1/10 है, तो 30% 10 × 3, 3 से ऊपर गुना और ये तो मैंने ऊपर 3 लिख दिया जी, 10 × 5 50 होता है तो ऊपर 5 आ गया जी, 10 × 7 70 होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 7/10, 10 × 9 90 होता है तो ये क्या बन जाएगा 9/10 जी। बड़ा सिंपल सा वे है जी। तो आगे हम नहीं जी देखेंगे, ये 20 का टेबल ले रखा है जी, 20 × 2 = 40 होता है, तो इसका मतलब 2/5 हो गया जी 40%, 20 × 3 = 60 होता है, तो इसका मतलब 3/5 हो गया जी, 20 × 4 क्या होता है 80, तो 4/5 आ गया जी। तो उम्मीद कर रहा हूं जी आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गई, इसको कैसे यूज करेंगे मैं इसके बाद आपको बताऊंगा जी इसको कैसे यूज करना है। तो अब हम देखेंगे जी हमारे पास कुछ परसेंटेज गिवन है, क्या है जी पहले दे रखे 25%, 25% हमें पता है जी चौथे हिस्से को हम बोलते हैं जी 1/4 जिसको आप बोल देते हैं जी, तो 1/4 जी ये आ गए 25%, और इधर देखो ये 75% गिवन है जी, 25 × 75 होते ही तो इधर ऊपर 3 आ जाएगा 3/4, तो ये 75% बन गया जी। अब 25 के बिल्कुल सामने देखिए मैंने क्या लिखे 12.5, हमें पता ही 25 का हाफ होता है 12.5, 25 का हाफ है तो 1/4 का हाफ कितना होगा जी 1/8, या कह लो 1/4 × 1/2 करेंगे तो कितना आ गया 1/8 जी। या दूसरा वे बताता हूं, जैसे कि मैंने अभी बताया था 25 × 100 होते हैं, तो इधर अगर आप गुना करना चाहो तो इजीली चेक हो सकती है, पहले 12 को 8 से गुना कीजिए, 12 × 8 कितना हो गया 96, और आगे फिर आधे को 8 से गुना कीजिए, 8 × 1/2 कितना हो गया 4, 96 और 4 कितना हो गया 100। तो या ऐसे याद कर लीजिए 25 का हाफ कितने 12.5, तो 1/4 का हाफ कितना हो गया 1/8। अब ये 12.5 का टेबल दिया हुआ है जी, तो नीचे तो हमें पता है यहाँ पे 3 8 आना ही आना है, तो 12.5 × 3 = 37 होता है जी, तो 3/8 बन गया जी, 12.5 × 5 होता है 62.5, तो ये 5/8 आ गया जी, 12.5 × 7 होता है 87.5, तो ये 7/8 आ गया। ये मैंने वो परसेंटेज लिए जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है, जैसे 37% की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब हम सीधा 3/8 ही प्रयोग में ला सकते हैं। अब बिल्कुल सामने देखिए जी 12.5 के सामने देखे 6.25%, 6.25% का मतलब होता है 1/16, इधर आप ऐसे चेक भी कर सकते हो 16 × 6 कितना होता है 96, और 16 × 1/4 कितना होता है 4, 96 और 4 कितना हो गया 100। या इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो 12.5 का हाफ है, 1/8 का हाफ करेंगे 1/16 बन गया। अदरवाइज इसको करने के एक और वे भी है, वो भी समझिए जी। हम लोग जी अक्सर एक बात करते हैं जो कि बड़ी कॉमन है, वो क्या जी कहते हैं ये बात जी 16 आने खरी है, 16 आने 1 रुपए में कितने आने होते हैं 16, और 1 आना जो है 6.25 को होता है, यानी 6 × 1/4, इसीलिए हम 25 पैसे को क्या बोलते हैं जी 4 आने, और 50 पैसे को क्या बोलते हैं 8 आने,
इट मीन सवा छह का मतलब कितना हो गया जी, 1/16 आ गया जी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये काफी तक क्लियर हो गया होगा जी। अब आगे देखेंगे ओ परसेंटेज वगैरह जो है जी, तो 33 ही 1/3 लिखा हुआ जी, 33 ही 1/3 पूरा करने की जरूरत ही नहीं होती, इसका मतलब 1/3। जैसे दे रखे 66 ही 2/3, तो 66 ही 2/3 का मतलब कितना होता है 2/3 ही होगा जी। आगे देखते हैं 16 से 2/3% या 16.67%, इसका मतलब कितना हो गई 1/6। आगे दे रखा है जी हमारे पास 14 से 2/7% या 14.29%, तो इसको बोलते हैं 1/7 आ जाएगा जी। 11 से 1/9% का मतलब या 11.11% का मतलब कितना होता है जी 1/9, और 9 से 1/11% का मतलब कितना होता है जी 1/11 जी। तो उम्मीद करता हूं ये सारी परसेंटें आपको समझ आ गई होंगी, बेटर ही आपके लिए जी इन परसेंटेज को प्रॉपरली आप नोट कीजिए और प्रॉपरली प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैं आपको इसके कुछ सम करके दिखाता हूं, आप देखोगे कितनी इजीली निकलते हैं जी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जी 10% of 9270। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली करेंगे जी, आपको ओरली करने का मैं वे बता रहा हूं भी इसको करना कैसे है। जैसे कि आप लोग जानते हैं जी 10% वाले केस में मैंने बताया था इसका मतलब है 10/10, चाहे तो इसका 10/10 लगा लीजिए, ये 0 से 0 काट दीजिए, 927 इसका आंसर आ गया जी। या फिर इसको करने का ये सिंपल वे है, जब भी 10% गिवन हो पीछे वाली 0 काट दीजिए, बस आंसर आ गया जी, कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती जी। इसका एक केस और ले रहे हैं जी, इसके बिल्कुल सामने आप देखिए क्या दिया हुआ है 10% of 927, अब पीछे 0 तो इसमें दे नहीं रखी है, तो इसका 10/10 होने का मतलब क्या होता है जी 92.7 जी, इसका मतलब क्या हो जी 92.7। तो जी आप सीधे याद रखिए, जब भी ऐसी कोई फिगर दे रखी हो तो पिछले वाले डिजिट से पहले डॉट लगा दीजिए जी, तो इसका 10% निकल आएगा जी। जब भी ऐसा केस आ जाए 10% की धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जी। जैसे हम आगे देख रहे हैं जी 20%, मैंने अभी आपको बताया था जी, आप देखिए जी मैंने क्या बताया था जी 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो अब इसको इसी वे से करेंगे जी। 20% का मतलब 1/5 है, तो इसका 5/5 कर दीजिए जी, 5/5 करेंगे तो ये डिवाइड किया जी हमने, 5 लाया 45 हो गया जी, 1 15 5 3 15 जी, तो क्या देख रहे हो जी 93 इसका आंसर आ गया। आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है, 20/100 × 465 वो बड़ा टाइम ले जाएगा, तो इससे सिंपल वे और कोई है ही नहीं जी। तो 465 के नीचे मैंने क्या लगा दिया जी 5 लगा दिया। अब जैसे देख रहे हैं यहाँ पे जी 40% of 2000, इसको करने के दो वे हैं जी, जैसे चाहोगे आप वैसे हो जाएगा जी। एक तो तरीका हमने अभी पढ़ा जी, इसका 40% का मतलब क्या होता है जी 2/5, आप इसको गुना 2/5 लिख सकते हो, पहले 5 से काट लीजिए, 5 से काटेगा तो कितना बन गया जी 400। पहले जी इजी वे होता है, पहले डिवाइड कर लीजिए, 400 आ गया, 400 गुना 2 कितना बन गया 800। तो एक तो ये वे है जी। दूसरा बड़ा सिंपल सा भी मैंने आपको और बताया था भी, जब भी परसेंटेज निकालनी हो तो पिछले वाले 2 डिजिट उड़ा दिया करो जी आप, तो 2000 दे रखा है तो 2000 में पिछले 2 डिजिट अगर उड़ा देंगे तो बाकी कितना बच जाएगा जी 20, तो 20 को आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे सीधा ही 800 आ जाएगा जी। जैसे आपको सुटेबल लगे आप उसके कर सकते हो जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25% of 1200, 25% जैसे कि हम लोग जानते हैं 25% का मतलब क्या होता है जी 1/4, तो 1200/4 करेंगे सीधा आंसर कितना आ गई 300, चौथा हिस्सा जिसको हम बोल देते हैं ये बन गया जी। आगे देखेंगे जी 25% of 7624, तो इसका 25% करना है, इसका 4/5 कर दो जी आप, तो 4 पे गया जी, 4 × 4 जी, बाकी बचेगा 3 36 4 9 36, ऊपर आ गए 2 नीचे जा रहा 0, 6 24 आ गए, 4 6 24, इसका आंसर कितना आ गई 1906 आ गए जी। आगे देखिए जी, आगे पूछा गया जी 12.5% of 9600, अब 9600 का 12.5% निकालना है, 12.5% का मतलब मैंने आपको क्या बताया था 1/8 होते जी। अभी देखिए हमने अभी किया था 12.5% का मतलब 1/8 है, और 6% का मतलब 1/16 है जी, तो 12.5% करने जा रहे हैं जी, तो इसका मतलब 1/8 है जी, तो यहां पे मैं सीधे ही 1/8 कर रहा हूं जी, तो हमें पता है 12/8 96 होते जी, तो ये 1200 जो है इसका आंसर आ गया, वेरी इजी जी। अदरवाइज आप करते हो जी 12 × 2400 और 25/2 × 1/100 × 9600, तो वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और कई बार कटने वगैरह में भी दिक्कत आ जाती है जी। तो आगे देखिए 37% जैसे कि मैंने आपको बताया था 37% का मतलब क्या होता है 3/8, आप इसको ऐसे लिख ली 3/8, तो पहले 8 पे काटेंगे, ये क्या बन गया 800, और 800 × 3 कितना हो गई 2400, क्वाइट इजी जी। जब आपको इतना पता है 37% का 3/8 है तो आप इसको इजीली निकाल पाओगे जी। आगे जी देखिए आप 6.25% जी, 6.25% का मतलब मैंने आपको बताया था 1/16 जी, आप इधर दोबारा देखिए जी 6.25% का मतलब क्या है जी 1/16,
तो 6% का मतलब एक बटा 16 है, तो 48,000 का 6% निकालना है आप इसका बटा 16 कर दीजिए, 16 3 48 जी, तो इसका 6% कितना आ गया जी, 3000 इसका बन गया जी। आगे देखेंगे जी, 33 से 1/3% निकालना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 33 से 1/3% का मतलब कितना होता है जी 1/3, तो आप इसका सीधा ही बटा 3 कर दीजिए, तो 1,00,000 इसका आंसर आ गया। 3,00,000 का पूछा गया था तो इसका कितना आ गई 1,00,000। आगे दिया गया 6 से 2/3%, 6 से 2/3% का मतलब मैंने आपको बताया था 2/3, 12,000 का 2/3 करेंगे 3 पे गई, ये आ गया 4,000, और 4,000 गुना 2 करेंगे कितना आ गई 8,000 जी। आगे देखेंगे जी, 16 से 2/3% हमें पूछा गया जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था जी 16 से 2/3% आप इधर देख सकते हैं जी, 16 से 2/3% का मतलब क्या बताया था मैंने आपको जी 1/6 होता है जी, तो इसका मतलब 1/6 होता है जी। अब हम जी इसका 16 से 2/3% करने जा रहे हैं, तो इसका हमने करना है तो इसका जी बटा आप 6 सीधे लगा लीजिए, 2400/6 करेंगे तो कितना आ गई 400, तो ये हमारा आंसर आ गया जी। आगे देखेंगे जी, 14 से 2/7%, जैसे कि आप ऊपर वाले में देख रहे हो 14 से 2/7% या 14.29% का मतलब 1/7 होता है जी, तो 14 से 2/7% तो 35,000 निकालना था, तो इसका बटा 7 आपने सीधे कर दिया जी, इसका मतलब क्या आ गई 5,000 आंसर आ गया जी। तो उम्मीद कर रहा हूं जी आपको ये समझ आ रहा होगा अच्छे से जी। आगे देखिए जी, 11 से 1/9% पूछा गया जी, 11 से 1/9% का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया था जी 1/9 ही होता है जी, तो 1800/9 करेंगे ये सीधे ही कितना आ गई 200 आंसर आ गए जी। तो 9 से 1/11% पूछा गया जी, आगे 9 से 1/11% का मतलब होता है जी 1/11, तो इसका बटा आप 11 करोगे 22,000/11 कितना आ गई 2000। तो क्या देख पा रहे हो जी आप, अगर सिंपल कुछ एक परसेंटेज जो कि मैंने यहां पे आपको दिखाई थी जी, अगर ये परसेंटेज वगैरह आप प्रॉपर वे से याद कर लेते हो, ये सब बेसिक परसेंटेजेस हैं, इनकी जी आपको इतने चैप्टर्स में जरूरत पड़ेगी आप सोच ही नहीं सकते जी, जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं आपको प्रत्येक जगह पे बताऊंगा भी इन परसेंटेजेस को आप दोबारा से पढ़िए जी। तो बेटर यही है जी, अगर आप चाहते हो भी आपके मैथ के ऊपर अच्छा होल्ड बन जाए, परसेंटेज वगैरह को अच्छे वे से कीजिए ताकि आगे से किसी तरह की कैलकुलेशन में आपको किसी तरह की कोई डिफिकल्टी ना आए जी। तो उम्मीद करता हूं ये सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जी। परसेंटेज का ही एक वीडियो हम इसके बाद लेकर के आएंगे जी, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे जी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो जी, प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जी। थैंक यू जी।